बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवेयरनेस। साजिद इज़ हेयर। और आज की जो हमारी नशस्त है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से। आज हम देखेंगे कि NFC अवार्ड क्या होता है, फिर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है हमारे पास। देखें, दोज कंट्रीज विच कलेक्ट मोर टैक्सेस आर मोर प्रॉस्पर, यानी जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं हमारे पास, अगर वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं। ये हमें जब हम रीड करते हैं किसी भी कंट्री को, तो टैक्सेस जो है वो एक कोर किरदार अदा करते हैं किसी भी मुल्क के खुशहाली के लिए। कि मुल्क अगर कितना खुशहाल है तो उसकी पीछे जो रीज़न होती है वो उसके टैक्स कलेक्शंस की होती है। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान चूंकि एक फेडरेशन है जिसमें 4 यूनिट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है फेडरल को कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस को भी ये इख्तियार दिया गया कि वो भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हिस्ट्री बताती है पाकिस्तान की, बिफोर द इंडिपेंडेंस 1947 हमारे पास नेमर अवार्ड था, सेम एज NFC अवार्ड। फिर हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर थे, रेसमैन, उसके नाम से इसको रिप्लेस किया गया और ये अवार्ड 2 दफ़ा हमारे पास हुआ, रेसमैन अवार्ड, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान का जो शेयर था दोनों अवार्ड्स के अंदर वो 54% रहा। तो ये हमारे पास कुछ बैकग्राउंड थी NFC अवार्ड की। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो NFC अवार्ड को डील करता है। तो आर्टिकल 160 डील्स विथ NFC अवार्ड इन पाकिस्तान। नाउ NFC अवार्ड को 2 पोर्शंस में तकसीम किया जाता है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दीज पोर्शंस, टैक्स कलेक्शन के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए कि 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं, डिविजिबल पूल टैक्स जो कि फेडरल कलेक्ट करता है, इसमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, इसमें इनकम टैक्स आता है और GST आता है, बाकी दूसरे टैक्सेस भी आ सकते हैं। ये मैंने आपको मेजर बताए हैं। डिविजिबल मीन्स कि वो डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल पूल टैक्स। दूसरा टैक्स हमारे पास है नॉन डिविजिबल पूल टैक्स, यानी ये फेडरल तो कलेक्ट करता है लेकिन वो शेयर नहीं करता है, वो अपने पास रखता है, यानी डिवाइड नहीं करता है। तो उसमें जो हमारे पास टैक्सेस हैं, इसमें सर्विस टैक्स और जो सैलरीज में टैक्स आपकी डिडक्ट होती है उसको हम नॉन डिविजिबल पूल टैक्स कहते हैं। नाउ कम टू NFC अवार्ड, तो इसको 2 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला इसका पोर्शन कहलाता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NFC अवार्ड। तो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है NFC अवार्ड की, हम 7th NFC अवार्ड को देखते हैं तो हमारे पास जो फेडरल का शेयर है वो है 42.5%, और ये यानी कि जो ऊपर फेडरल का जो मतलब 100 रुपये हमारे पास आए तो 42.5 रुपये, 42.5 जो शेयर है वो सेंटर अपने पास रखता है, बाकी जो है जो यूनिट्स हैं उसको देता है 57.5।
ये हमारे पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एनएफसी अवार्ड की, और इन 2010 18th अमेंडमेंट नाउ बाउंड्स बाय लॉ दैट 57.5 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड होगा उसमें 57.5 से कम शेयर जो है वो प्रोवेंस का नहीं हो सकता है, ज्यादा तो हो सकता है कम नहीं हो सकता है 57.5 से। ये हमारे पास होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हॉरिजेंटल मींस कि 42.5 रुपए तो फेडरल ले गया, बाकी 57.5 रुपए जो आपके पास बच गए यानी 57.5%, वो चारों सूबों में कैसे डिवाइड होते हैं। तो इसमें हमारे पास पंजाब 51%, सिंध 24%, केपीके 14% और बलूचिस्तान जो है वो 9% बलूचिस्तान को इसमें मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो रीसेंट अमेंडमेंट की गई है एनएफसी अवार्ड में वो क्या है। पहले जो एनएफसी अवार्ड था वो बेस्ड करता था सोल पॉपुलेशन के ऊपर, यानी इट कंप्लीटली डिपेंडेंट ओवर पॉपुलेशन, यानी जिस सूबे की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती थी उसका शेयर उतना ज्यादा होता था। लेकिन सेवंथ एनएफसी अवार्ड को जब हम रीड करते हैं तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स ऐड किए गए हैं। तो हमारे पास अभी टोटल चार फैक्टर्स हैं। पॉपुलेशन को 82% दिया गया है, यानी जिस सूबे की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको इतना ज्यादा शेयर मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि रेवेन्यू को 5% दिया गया है, पावर्टी या बैकवर्डनेस 10.3% है, और लास्ट जो हमारे पास है इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके लिए 2.5% रखा गया है। यानी पहले जो एनएफसी अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो सिर्फ आपके पॉपुलेशन बेस्ड थी, लेकिन तीन चीजें इसमें ऐड हुई हैं जिसमें पावर्टी है और रेवेन्यू जनरेशन है और इनवर्स पॉपुलेशन इंडेक्स इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया है और लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो ये बलूचिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये वो चार फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के जो फेडरल से शेयर मिलता है फेडरल चारों सूबों में एनएफसी अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो 42.5% है फेडरल का, वो उसकी मर्जी है कि सूबे को अपनी तरफ से भी वो दे सकता है। अभी हम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एनएफसी अवार्ड की, तो हम ये देखते हैं कि फेडरल का जो एक इदारा है जिसको हम एफबीआर कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो टैक्सेस कलेक्ट करता है हमारे पास। इनकम टैक्स है, जीएसटी है हमारे पास, सर्विस टैक्स है हमारे पास, वैल्यू एडेड टैक्स है हमारे पास। ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करने के बाद ये फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें 82% जो पॉपुलेशन बेस्ड रखा गया है, तो हम ये देखते हैं कि जो माइनर प्रोविंस हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, पर्टिकुलरली हम बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, तो बलूचिस्तान का शेयर सबसे कम हो जाता है। इस पे काफ़ी ग्रीवेंसेस जो है हमारे होते हैं, और एनएफसी अवार्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो फेडरल मिनिस्टर जो है फाइनेंस फेडरल मिनिस्टर और सूबों के फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट की जवाबदेही है कि वो किसी को भी एनएफसी अवार्ड में एज अ मेंबर जो है वो एडॉप्ट कर सकता है। फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद इसमें जो तीन फैक्टर्स मैंने कहा, सिर्फ पहले पॉपुलेशन होता था, अभी तीन फैक्टर यानी पावर्टी बैकवर्डनेस है हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडेक्स है या रेवेन्यू जनरेशन है हमारे पास, तो इन फैक्टर्स को भी ऐड किया गया है। लेकिन देखें 82% अभी तक पॉपुलेशन जो है ना वेटेज दिया गया है 82% पॉपुलेशन को, तो ये भी बड़ा एक थिंकिंग है कि इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है कि बाकी जितने फैक्टर्स हैं ताकि जो सूबे के ग्रीवेंसेस हैं छोटे सूबों के ग्रीवेंसेस उसको एड्रेस किया जा सके। फिर
फिर हम देखते हैं कि जो एनएफसी अवार्ड होता है उसको टाइमली नहीं दिया जाता है, यानी इसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है वो होना चाहिए कि 5 साल के अंदर जो है वो इसको ज़रूर मिलना चाहिए और ये ऑफिशियली अनाउंस हो और इसकी मीटिंग्स जो हैं वो कन्वीन की जाएं और पब्लिकली भी इसको अनाउंस किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि 18 अमेंडमेंट ने जब इख्तियार हमें दे दिए सूबों को, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदे हुए हैं क्योंकि सूबे भी अभी अपने टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो BRA बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी एक इदारा बनाया गया है जो कि बलूचिस्तान सर्विसेज के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट करता है। और इस टाइम अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज की बात करें तो BST बलूचिस्तान सेल टैक्स जो है वो 4% रखा गया है। तो ये था हमारे पास NFC अवार्ड। हमने देखा कि इसके बैकग्राउंड क्या है, नेमर अवार्ड था, फिर रेसन अवार्ड आया, फिर हमने देखा कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 160 इसको डील करता है, फिर हमने देखा कि इसके दो पार्ट्स हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फेडरल और यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर हमने देखा कि इसकी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है कि चारों सूबों में कितना है, फिर हमने उसकी अमाउंट देखी परसेंटेज में, फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें चार जो है फैक्टर्स को मद्देनजर रखने के बाद सूबों में इसको डिवाइड किया जाता है, और लास्ट में हमने इसके ऊपर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस की। तो ये था हमारे पास NFC अवार्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के हवाले से, क्योंकि इकोनॉमी की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक डॉल्ड्रम की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो NFC अवार्ड का भी बड़ा एक रोल रहा है वो किस तरह सूबों को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करता है या डेवलप करता है। तो इंशाल्लाह अगले नशस्त में हम कोई न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।